पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक ग्रुप बंदी धड़ेबंदी की सूरत भी नजर आ रही है। जहां जहां ये हारे वहां वहां ये रोना है, आज तक के वहां जनाब धांधली हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम, स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, एक जानब तो अब इलेक्शन की तैयारियों की सूरत नज़र आ रही है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में पहले मरहले के इलेक्शन हो गए, दूसरे मरहले की तैयारियां हो रही हैं और उसके बाद अगला जो साल शुरू हो रहा है उसमें तवक्को की जा रही है कि पंजाब हुकूमत भी अपना वादा पूरा करते हुए बल्दियाती इलेक्शन करवा लेंगे। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के पहले मरहले में जिस किस्म के नतायज आए उसके बाद दूसरे मरहले के लिए खुद मॉनिटरिंग की बात की गई, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से रिपोर्ट मांगी गई कि क्या वजूहात हैं, वो रिपोर्ट दी जाए और रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें उससे पहले डिस्कस हो रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक ग्रुप बंदी धड़ेबंदी की सूरत भी नज़र आ रही है। लेकिन खुद वज़रा भी ये कह रहे हैं कि महंगाई का मामला है जिसकी वजह से ये नतायज हुए, तो क्या पंजाब जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कदरे कम जो है अपनी नशिस्तें रखती है एम पी एस की एम एन एस की नस्बता खैबर पख्तूनख्वा के, तो वहाँ पर नतायज क्या खासे मुख्तलिफ नज़र आ सकते हैं, आज इस सूरत हाल पर भी बात करेंगे। वज़ीर आज़म जो ख़ुद मॉनिटर कर रहे हैं तो क्या उनके मॉनिटर करने के हवाले से, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो चाहे वो पंजाब हो, तो क्या तब्दीली हो सकती है, क्या बेहतरी हो सकती है? क्योंकि वज़ीर आला महमूद ख़ान के हवाले से तो शायद शिकायतें कम होंगी खैबर पख्तूनख्वा में अपने उनके एम पी एस एम एन एस के हवाले से, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से खासी शिकायतें भी, ग्रोहबंदी भी, ग्रुपिंग भी, वो भी मामलात सामने हैं। बहरहाल दूसरा इत्तेहादियों का मामला है जो पंजाब के अंदर उनके पास हैं, उनकी एक अलग शनाख्त है, वो अपनी अलग शनाख्त के साथ ही लगे जा रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पर जो है वो खड़े होंगे? इस वक्त सूरत हाल जो है वो सियासी मंजरनामा किस जानिब जा रहा है? हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, पाकिस्तान तहरीक पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपके वक्त का हमें ज्वाइन किया है। इस वक्त आसिफ बाजवा साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा है, आसिफ बाजवा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। उस्मान सईद बसरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जनरल सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उस्मान सईद बसरा साहब आपके वक्त का भी। बसरा साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं, ये सूरत हाल के पी के की आपके सामने हो गई जहाँ आपकी 8 साल की हुकूमत थी। अच्छा, बसरा साहब से दोबारा से हम रब्ता करते हैं। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेरे लगा रही है, जरदारी साहब ने कहा लाहौर में वफाक में, लेकिन उसके बाद जो रद्देअमल हुकूमती वज़रा का आया है उन्होंने कहा कि सारे खेमे में हो जाएं, सियासी बोनों के जो हैं वो कद सूरतेहाल और होती है, जब ज़मानत लेनी होती है तो व्हील चेयर पर आ जाते हैं और जब बढ़ के मारनी होती तो अपने कद से ज़्यादा बढ़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत मार रही है। आप आमिर हसन साहब, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंची, मेरे ख्याल में म्यूट है आवाज़, मैं चाहूँगा कि आप अपने आवाज़ को खोल लीजिए। बैरिस्टर आमिर हसन साहब से हम जो है वो बात करते हैं कि एक तरफ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना तैयारी करिए क्योंकि पिछले 2 ज़िमनी इलेक्शन में बहरहाल वो जो कम बैक की सूरत हाल है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लाहौर में फिर उसके बाद खानवाल में वो नज़र आ रही है। अब अगला मरहला जो है वो बल्दियाती इलेक्शन का है जो 3 माह के बाद तवक्को की जा रही है कि पंजाब के अंदर हो जाए। आसिफ बाजवा साहब से बात कर लेते हैं। जी आसिफ बाजवा साहब, अगर आप सुन सकते हैं बाजवा साहब मुझे। बाजवा साहब आपको आवाज़ आ रही है? आसिफ बाजवा साहब से भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो है वो सूरत हाल सियासी मामलात के हवाले से हम बात करें तो तनकीद का रुख भी खासा तेज़ हो गया और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के बाद से ऐसा लग रहा है कि पीडीएम की जो बाकी मानदा जमातें हैं अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दो को निकाल कर उसमें इन रिज़ल्ट के बाद खासी जान आ गई है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब ज़्यादा एक्टिव हो रही है कि जिस किस्म का नतीजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में रहा है उसके बाद बाकी जमातें अपना हिस्सा और अपनी चीज़ें जो हैं वो खासी तेज़ भी कर सकती हैं अगले बल्दियाती इलेक्शन में। और बल्दियाती इलेक्शन आप जानते हैं कोई बड़ा एक की रोल अदा करते हैं क्योंकि उस वक्त के काउंसलर्स, उस वक्त के यूनियन काउंसल्स के लोग, उस वक्त के मेंबर्स, तमाम के तमाम आम इंतखाबात में जो उनका रोल होता है वो बड़ा अहम हो जाता है क्योंकि जो वर्कर है, जो निचली सतह की जमहूरियत के लोग हैं, वही अपने लोगों को बाहर निकाल कर
हुकूमत जो है वो देते हैं। उस्मान सईद बसरा साहब से बात कर लेते हैं। बसरा साहब, ये क्या नताइज थे सर खैबर पख्तूनख्वा के, और अब पंजाब में सूरत हाल तो खासी मुख्तलिफ है कि आपके पास वो स्ट्रेंथ, वो ताकत और वो तवील तजर्बा हुकूमत का वहाँ नहीं रहा जो खैबर पख्तूनख्वा में था, तो अब पंजाब में बलदियाती इलेक्शन की तैयारियाँ चल रही हैं, तो कह रहे हैं कि यही नताइज होंगे अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते रहे तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कुछ नहीं होगा। अपोजिशन तो आपसे यही डिमांड कर रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुदस्सर आपका। देखिए जी, जो अपोजिशन है ये पाकिस्तान का एक थिएटर का एक ग्रुप है जो सारे के सारे यहाँ पे जुकते मारने के लिए टेलीविजन के ऊपर तशरीफ़ ले आते हैं। इनकी सीनियर लीडरशिप हो या जूनियर कैडर के लोग हों, मेरी तरह के बिल्कुल बेचारे सारे के सारे बिल्कुल बेअकल की बेफहम नाकाबिल फहम बातें करते हैं। मुझे बताइए कि जब जनरल इलेक्शन के अंदर जहाँ जहाँ ये जीते हैं तो वो इलेक्शन तो है अपना आप जमजम से धुला हुआ, उसको कहते हैं बड़ा अच्छा है, फ्री है, फेयर है, लेजिटिमेट है, कमाल के अवाम के वोट की रिफ्लेक्शन है। और उसी इलेक्शन के अंदर जहाँ जहाँ ये हारे वहाँ वहाँ ये रोना है आज तक कि वहाँ जनाब धांधली हो गई। मसला ये है कि इस अपोजिशन को चाहिए लूटमार, वो पैसे की लूटमार हो, वो अवाम के वोट की लूटमार हो। ये लूटमार की बेस पे जो भी होगा, वो इलेक्शन का रिजल्ट हो, वो पाकिस्तान के पैसे हो, वो आम पब्लिक का पैसा, उसको ये जायज समझते हैं और उस पर वाह वाह करते हैं। आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान की तारीख में बहुत से रिकॉर्ड ऐसे हैं जो मेरे वजीर आजम आपके वजीर आजम के हिस्से में आए हैं, और वो रिकॉर्ड ये है उसमें एक बहुत बड़ा कि उन्होंने जो सही मानों में ग्राफ के ऊपर एक इलेक्शन करवाए हैं और लोगों ने कहा कि इस इलेक्शन का रिजल्ट कुछ इस तरह से आ सकते हैं। लेकिन आफरीन और कमाल है मेरे वजीर आजम इमरान खान के ऊपर जिन्होंने इसके ऊपर सियासत नहीं की। सबसे पहले तो उन्होंने इकदार को सही मानों में निचली सतह के ऊपर ट्रांसफर करने के सिस्टम यानी लोकल बॉडीज इलेक्शन पे इलेक्शन करवाए हैं। आप मुझे बताइए, पीपल्स पार्टी से पहले ये सवाल करें ना, लूट मार के 13-14 साल आपको हो गए सिंध के अंदर, तो आप तो वहाँ इलेक्शन ही नहीं करवाते। मुझे बड़ा हौसला है इसके बावजूद भी ये लोकल बॉडीज के ऊपर आके यहाँ पे टीवी पे कमेंट्री करते हैं और इनके लीडर जो हैं वो बड़े बड़े बयान दागते हैं जिनका जमहूरियत से खुद कोई ताल्लुक नहीं है। उस्मान साहब, लेकिन रिकॉर्ड तमाम तर रिकॉर्ड के बावजूद उस्मान साहब सूरत हाल ये है कि वो वोट की रिफ्लेक्शन में तो आवाम ने फिर आपको कबूल नहीं किया। रिकॉर्ड भी हो गए, सारी चीज़ें हो गई, खारजा पॉलिसी में वज़ीर आज़म ने बहुत बड़ा एक संगे मील उमूर कर लिया, लेकिन अवाम ने वोट जो देना था वो वही था कि वो गवर्नेंस के वो मामलात हैं जो महंगाई की सूरत में अवाम आपसे फिर खुश नहीं है ना खैबर पख्तूनख्वा की, जिन्होंने दोबारा आपको मुंतखब किया, ये भी एक हिस्ट्री थी आप लोगों के लिए कि दोबारा मुंतखब हुआ 18 में, लेकिन अब आके 21 के आखिर में जो बलदियाती इलेक्शन हुए तो वहाँ सूरत हाल खासी मुख्तलिफ हो गई। मुदस्सर देखिए, मसला ये है कि ये एक पहले मरहले के इलेक्शन हैं और हम खुले दिल से मान रहे हैं कि हम इलेक्शन के अंदर हमारे कैंडिडेट्स उसकी बहुत सी वजूहत है ना, मुझे उसका पता है पार्टी के अंदर हमारे क्या मामला हैं उसके ऊपर, प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं हम उसको खुद देखूंगा, मैं उसको ग्रुपिंग के, लेकिन आप मुझे बताइए ये क्रेडिट तो कम अज़ कम दीजिए कि इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत को उस गंध से पाक किया है जिसमें ये दोनों जमातें लिथड़ी हुई हैं कि जब इलेक्शन हार जाएं तो रोना शुरू कर देते हैं, इस्टेब्लिशमेंट आ गई। क्या मेरी पार्टी के किसी एक आदमी ने ये कहा कि इस इलेक्शन में धांधली हुई है, इस्टेब्लिशमेंट आ गई, या जनाब अली वो फौजी वोट डाल गए, वो जी रूहें आ गई वोट डाल गई, वो जी ये अपना महकमा ज़रात आके वोट डाल गया। मसला ये है कि आपको भी टेलीविजन के ऊपर आप जो सब लोग जो राय आमा बनाते हैं पाकिस्तान के लोगों को ये बताना चाहिए और आपके तवस्सुत से पाकिस्तान के लोगों को समझना चाहिए कि पाकिस्तान की सियासत में एक ही एक्सेप्शन इसका नाम इमरान खान है जिसके लोगों ने अपने लोगों पे नैब के केसेस बने, नैब को या अदारों को गाली नहीं दी, हमारे लोग अंदर हुए पकड़े गए, हमने अदालतों को गाली नहीं दी, हम इलेक्शन हारे, हम इलेक्शन कमीशन के अधिकारों को गाली नहीं दे रहे हैं। हमारे वजीर आजम ने कहा कि हम अपने अंदर के नकायस को दूर करेंगे, बेहतरी करेंगे, लेकिन मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता कि ये कहा जाए जी महंगाई, मेरी बात सुनिए, जहां पे पीटीआई वहां पे जीती है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो वहां महंगाई नहीं थी। मसला ये है कि कैंडिडेट की सिलेक्शन एक मसला थी और शर्म आनी चाहिए वो तमाम। ये बस साहब, इस पे हम बात करते हैं महंगाई थी या नहीं, ये तो बुजरा जो कह रहे हैं वजीर मनसूबा बंदी उनका बिल्कुल मुख्तलिफ मामला है, वजीर आजम का मुख्तलिफ बयान है, शौकत यूसुफ़ज़ई साहब मुख्तलिफ, वजूहत हो सकती हैं, बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, हम इस पर बात करते हैं। लेकिन आमिर हसन साहब, वैसे साहब हमारे साथ हैं, सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अब पंजाब में डेरे लगा रहे हैं, जरदारी साहब कह रहे हैं मरकज़ पंजाब इन चीज़ों को देखेंगे, लेकिन सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो
एक तरफ तो सिंध पर, उस पर सवाल है, तमाम की तमाम सियासी जमातें आपके खिलाफ एहतजाज कर रही हैं यहाँ के बल्दियाती निज़ाम में। खैबर पख्तूनख्वा में आप एक बड़ी जमात थे, वहाँ पर आप नज़र ही नहीं आए हैं, एक सीट के साथ हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतने सालों में दोबारा रिवैम्प नहीं हो पाई है? जो भी बल्दियाती निज़ाम सिंध में आएगा तमाम लोगों की मुशावरत से आएगा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुशावरत पे यकीन रखती है। मुतफ़िका आइन देने वाली और आइन को रिवाइव करने वाली जमातें आप बेफिक्र रहें। और सर मुतफ़िका तो नहीं आया ना सर, अब तो बिल हो गया, मंजूर हो गया, बिल हो गया, वो तो अब एहतजाज करने वाले एहतजाज कर रहे हैं। मैं आपको बात बता रहा हूँ कि हम गुफ्तगुशनीद कर रहे हैं सही, और हम ऐसा ही कानून करेंगे। ये अमेंड करना भी हमारे लिए कोई ऐसी बात नहीं, अगर लोगों के उस पर रिजर्वेशन होंगी तो हम खत्म करेंगे, लेकिन अगर सिर्फ जो हारने वाले जिनके 100-100, 200-200 वोट आए हैं सिंध में, उनकी बात तो नहीं सुनी जा सकती ना। ये जो बैठे हैं सिंध में, इनके तो ये कराची से सिर्फ जिताए गए हैं, वो लोग जो वो जो जैदी वैदी वजीर हैं इनके, वो तो काउंसलर का इलेक्शन हार गए थे और 2 साल के बाद वो डायरेक्ट MNA हो गए। जैसे हुए वो आपको पता चल गया, बॉडा पहले MNA का इलेक्शन जीता और अब 6ठे नंबर पे आई है PTI NA 249 के अंदर। तो इनकी औकात तो आपको पता है कि जितना मर्जी शोर करें, सिंध की परफॉर्मेंस और सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस को सिंध के अवाम वोटों से जज करेंगे, इनकी बातों से तो जज नहीं करेंगे। और दूसरी बात, हम जब भी बल्दियाती निज़ाम लाए, वाहिद सिंध है जहाँ पे बल्दियाती निज़ाम के तहत तमाम हुकूमतों ने अपना वक्त पूरा किया, भले वो MQM की हमारी मुखालिफ हुकूमतें थी कराची में, हमने वक्त पूरा करने दिया है, हमने तोड़ी नहीं है। फिर ये बात की जो वज़रा और इनके नुमाइंदे जमहूरियत की बात करते हैं, कोई मेरे ख्याल से इनका जमहूरियत से क्या ताल्लुक है? शुजा पाशा के कंधों पर सवार होके आने वाले सिलेक्टेड हुक्मरान बड़े बड़े दावे करते हैं। भाई आपको शिकस्त फाश हुई है आपके अपने सूबे से, जहाँ पे आप पिछले 10 साल से हुकूमत में हैं, तो अगर आप में शर्म है तो फिर रिजाइन करें और घर जाए। और आपने जो पीपल्स पार्टी का कहा है, पीपल्स पार्टी के वोट्स चाहे वो जनरल इलेक्शन हो या बल्दियाती इलेक्शन हो, हमारे 10-10 गुना वोट बड़े हैं। अगर हमारा पहले 1000 वोट था तो 10,000 हुआ है, 10,000 था तो लाख हुआ है। मैं आपको पिशावर की मिसाल देता हूँ कि पिशावर में पीपल्स पार्टी ने 50,000 के करीब वोट लिया है, और ये 50 ठीक हो गया। मैं इस पे बात करते हैं, बैरिस्टर साहब हमारे साथ हैं, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ना ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद बात होती है, मेहमान हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहिए।